अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे कि हमने डॉकर के थ्रू इंस्टॉलेशन तो कर ली थी, अब हम देखते हैं कि इसके इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। ये इंस्टॉलर स्क्रिप्ट है, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं और इस स्क्रिप्ट को जो है हम इस लाइन को हम कॉपी करते हैं। ये SSH हमने एक्सेस किया हुआ है, ये स्क्रिप्ट को जो है वो पुल कर लेगा। हमारे पास स्क्रिप्ट आ गया, इसको एग्जीक्यूशन परमिशन जो है वो हमने अलाउ करनी है। ये आप देख लें, इसके थ्रू आप ये देख लें, इसको रीड राइट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट की परमिशन मिल गई है जो कि पहले नहीं थी। तो आइए चलते हैं इसके इंस्टॉलेशन का भी। सिंपल यूनिट स्टेप दिया हुआ था कि सूडो के थ्रू आप इसको रन कर लें, क्योंकि हम सिंपल यूजर के थ्रू हैं तो हमें सूडो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके थ्रू हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, NODB जो है ये बफर पूल साइज होता है, मतलब कि कितना एट अ टाइम जो है रैम में जो है ना हमारा वो डेटा जो है बफर हो। ये स्पीड वगैरह के हवाले से है कि जितना हम इसको बफर पूल देंगे तो उतना ये फास्ट जो है काम करेगा। तो बफर पूल जो है नॉर्मली हाफ ऑफ द रैम होता है। अगर हमारे पास 100 GB रैम है तो हमें 50 GB बफर पूल देना चाहिए। करंटली जिस सिस्टम पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं ये हमें बता रहा है कि यू डू नॉट हैव इनफ फ्री मेमोरी, ठीक है, जो कि 4 GB अराउंड 3345 जो कि 3 GB के करीब बन रही है। अवेलेबल टू सेट NODB बफर पूल साइज इक्वल टू दिस, तो हम इसको 3000 भी कर सकते हैं कि 3000 जो है ना बफर पूल साइज जो है वो दे दें। फिर सेकंड ये बता रहा है कि आप ये चाहते हैं कि भाई आपका जो डायग्नोस्टिक डेटा है वो क्लस्टर कंट्रोल के सिस्टम पे जाए, तो प्राइवेसी की वजह से हम नहीं चाहते कि भाई हमारा डेटा जाए वहाँ पे, तो हम इसको नो कर देंगे। नेक्स्ट, ये इंस्टॉलेशन जो है इसने शुरू कर दी है। तो असल में जो फाइल हमने डाउनलोड की थी इसमें जो है ना डिफरेंट लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ था, शेल स्क्रिप्टिंग लिखी हुई होती है, और वो शेल स्क्रिप्ट क्या करता है वन बाय वन जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो डाउनलोड करता है। अच्छा, ये अब यहाँ पे पूछ रहा है कि द कंट्रोल होस्ट नेम विल बी सेट टू 10.2.976 जो कि हमारा इस सर्वर की IP है, डू यू वॉन्ट टू चेंज विल बी सेट टू दिस। वो इसको सेट कर रहा है और वो पूछ रहे हैं कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम इसको नो कर देंगे कि हम नहीं चाहते यही यूज करना है हमने। सेकंड जो है ये MySQL सर्वर जो है वो डिटेक्ट कर रहे हैं और रिक्वायर्ड पैकेजेस वगैरह जो होंगे PHP MySQL Apache सर्वर इन सब चीजों को जो है वो इंस्टॉल करता रहेगा। ये सारी जो रिपोजिटरीज है उनको अपग्रेड कर रहा है और जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं उनको जो है इंस्टॉल कर रहा है। ये PHP की एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल हो रही है। जैसे आप यहाँ पे देख लें, ये मुझे बता रहा है कि इन ऑर्डर टू कंप्लीट द इंस्टॉलेशन यू नीड टू सेट द MySQL रूट पासवर्ड, कि आपको MySQL का रूट पासवर्ड जो है वो सेट करना है। तो रूट पासवर्ड का ये फॉर्मेट भी बता रहा है कि स्पेशल करेक्टर भी हो सकते हैं। प्रेस एनी की टू प्रोसीड, हम एंटर करते हैं, प्रेस वाई फॉर यस। अच्छा, यहाँ पे ये सेकंड स्टेप में बता रहा है कि आप वैलिडेट पासवर्ड जो है ना, मतलब सिक्योर पासवर्ड जो है उस कंपोनेंट को आप इनेबल करना चाहते हैं, तो हमने नहीं इनेबल करना क्योंकि इस पे बाहर से इंटरनेट वैसे भी ऑफ होता है, क्योंकि इन सिस्टम्स की इन सर्वर्स की पब्लिक IP नहीं है, तो इसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है ये इस कंपोनेंट को डिसेबल रखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक IP इसको देख रहे हैं तो फिर रिकमेंडेड यही है कि आप इस कंपोनेंट को जो है इनेबल करें, और फिर MySQL चेक करता है जब भी आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो वो इसको चेक करता है कि जो आप पासवर्ड इंटर कर रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं, तो ये रिकमेंडेड है। लेकिन चूंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है तो जिसकी वजह से हम इसको डिसेबल कर रहे हैं, हमने नो कर दिया। MySQL रूट पासवर्ड जो है वो सेट कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, तो क्योंकि ये हम ऑलरेडी VPN के थ्रू एक्सेस करते हैं तो इसको डिसअलाउ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिमोट लॉगिन हमें ज़रूरत पड़ जाता है SSH के थ्रू और VPN के थ्रू, तो हम इसको यस कर देते हैं। टेस्ट डेटाबेस इसको यस कर दें, हमें ज़रूरत नहीं है। रीलोड प्रिविलेजेस जितनी भी हमने अभी यस नो किया हुआ किया है तो ये इसको रीलोड कर देगा। यस कर दिया, जो हमने पासवर्ड सेट किया है वो एंटर कर दिया। अच्छा, सिमोन जो है ये आप कह लें कि जो क्लस्टर कंट्रोल है उसका यूज़र है, तो उसका पासवर्ड भी हम सेम रखते हैं। जो हमने MySQL का पासवर्ड रखा है वो हमने सिमोन यूज़र का पासवर्ड ही भी रखा है। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि सिमोन पासवर्ड MySQL सिमोन यूज़र, जो सिमोन था वो सिमोन यूज़र है। सिमोन असल में क्लस्टर मॉनिटरिंग जो टूल है उसका डेटाबेस यूज़र है, तो उसका पासवर्ड हमने सेट किया है। फिर S9 रूट पासवर्ड जो ये एक्चुअली MySQL का रूट पासवर्ड है, तो दोनों हमने सेम रखे हैं। सेम रखने की वजह ये होती है कि हमें याद रहे
और दूसरा जैसे मैंने बताया भी कि हम ऑलरेडी इसको हम एक सिक्योर वे है उसके थ्रू एक्सेस करते हैं, तो इस वजह से हम कर रहे हैं। सिंपली देखिए, इसने इस आईपी पर हम क्लिक करते हैं, ये आईपी हमारी लोकल इस सिस्टम की, और आगे क्लस्टर कंट्रोल आप लगा दें तो ये जो क्लस्टर कंट्रोल है वो अवेलेबल हो गया है। पहले हमने डॉकर इमेज के थ्रू किया था और अब हमने इसको स्क्रिप्ट के थ्रू किया है। इसका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह हमने सेट कर दिया है, ये यूज़र हमारा क्रिएट हो गया है और ये हमें जो है डैशबोर्ड जो है वो शो कर रहा है। ये देख लें, जो हमें डॉकर के थ्रू शो हुआ था वो हमें स्क्रिप्ट के थ्रू भी जो है शो हो रहा है। आप जैसे देख सकते हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आपके ये मॉड्यूल जो है वो इनेबल होना चाहिए। अगर आपने फ्रेश इंस्टॉलेशन की है तो ज़ाहिर बात है हमारी फ्रेश इंस्टॉलेशन है, तो हम इन मॉड्यूल्स को देख लेते हैं। तो ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट के थ्रू इनेबल हो गए हैं, लेकिन ये जस्ट हम अपनी कन्फर्मेशन के लिए कर रहे थे, ये फिर उसको इनेबल करने को बता रहे हैं। तो ये सारा है, आपने अगर कोई दूसरा यूज़र ऐड करना है तो यहाँ से यूज़र मैनेजमेंट से आ जाएं और क्रिएट यूज़र, ये हमारा न्यू यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगा कि आप पासवर्ड लेस SSH एक्सेस जो है वो आप कैसे देंगे। तो ये चलते हैं उसकी तरफ।